गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आपणे गया वीडियो में टपका का डर पाठनो अभ्यास कर्यो हतो, तो एमां जोयो मुहावरिका अर्थ जुजला उठना क्रोधित होना सिर पर पैर रखकर भागना तेज गति से भागना। आपने अभ्यासना प्रश्नों पण जोया हता। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? तो मेरे गांव में मिट्टी से बने हुए, सीमेंट से बने हुए, झोपड़ी से बने हुए घर है। तमारा गाम में केवा केवा घरों छे? तो मारा गाम में माटी ना बनायेला छे, सीमेंट ना बनायेला छे अने झोपड़ी ना बनायेला घर छे। तुम्हारे घर किन किन चीजों से बना है? तो मेरे घर छप्पर, घास, फूस, खपरेल और लकड़ियों से बना हुआ चीजों से बना है। छप्पर किन किन चीजों से बनता है? तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? तो मेरा घर मिट्टी से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है। छप्पर किन किन चीजों से बनता है? छप्पर એટલે छत, दाबू बराबर ऊपरનો ભાગ, तो ये छप्पर। घास फूस खपरेल और लकड़ियों से बना है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है। ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? तो ओले पड़ने पर हम उन्हें जलते हैं, इतले पकड़िए छिए, खाते हैं और खेलते हैं। तो हमें कराने कैच करिए छिए, बराबर तेने रमिए छिए अने खाइए छिए। ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? तो ओले पड़ने पर बच्चे घरों को और फसल को नुकसान होता है। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो मैंने सीमेंट के चूल्हे, मिट्टी से चूल्हे आदि चूल्हे देखे हैं। जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में बाघ से अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही? तो बुढ़िया मन ही मन जुझला रही क्योंकि चूल्हे पर पानी टपकने लगी इसलिए। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? तो बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा, मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती है। यह सुनकर बाघ
सिर पर पैर रखकर भाग गया। तपाईं स्वाध्याय जोईशु। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी। बुढ़िया जंगल में रहती थी। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। पानी टपकने की आवाज कैसी थी? पानी टपकने की आवाज टप टप थी। बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपने प्रश्न बे जोईशु। निम्नलिखित आपने हवे जोईशु। निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने प्रत्येक विषय पर 5-7 वाक्य लखीशू। प्रत्येक एटले कोण? मोर, वाघ, तोता। मोर विषे लखवानुं छे, वाघ विषे लखवानुं छे अने तोता विषे। तो आपणे अहीं लखीशुं, पक्षीओ में मोर सबसे सुंदर होता है। तो आपणे लखीशुं, पक्षीओ में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके माथे पर कलगी होती है। इसके पंख रंग बिरंगी होते हैं। इसकी आवाज मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊ म्याऊ करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारे 5-7 वाक्यों मोर विषे हिंदी में लखवाना छे। तो तमारे सुंदर अक्षर थी लखवानू। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके माथे पर कलगी होती है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। इसकी आवाज मधुर होती है।
वर्षा के दिनों में मोर म्याऊ म्याऊ करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे बाघ विषे 5 वाक्यो लखीशुं। तो बाघ एक जंगली जानवर है। बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियां होती है। वह अंधेरे में देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ शू खाए? मांस खाए, એટલે તે માંસાહારી પ્રાણી કહેવાય। તો બાઘ માંસાહારી પ્રાણી હે। બાઘ હમારા રાષ્ટ્રીય પ્રાણી હે। બાઘ આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે। બાઘ કો હમ ચિડિયાઘર મે દેખ સકતે હૈ। तो बाघ ने अपने क्या जोइए छे विद्यार्थी मित्रों? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर एटले प्राणी संग्रहालय। तो बाघ बाघ आपने क्या जोवा मळे छे? प्राणी संग्रहालय मां। तो बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। વાઘને અમે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જોઈ શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ વાઘ વિશે અહીંયા લખવાનું, 5-7 વાક્યો લખવાના છે। તો વાઘ એક જંગલી જાનવર હે। વો સિંહ કી તરહ ભયાનક હોતા હે। ઉસકા રંગ ગહરા पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियां होती है। वह अंधेरे में देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। हवे आपने जोईशुं तोता। तोता ने गुजराती में शू कहेवाय? पोपट। तो आपणे पोपट विषे 5-7 वाक्यो लखवाना छे। तो तोता, तोता एक सुंदर पक्षी है। पोपट विषे आपणे 5-7 वाक्यो लखवाना छे। तो अहीं लखीशुं कि तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। एनो रंग लीलो होय छे। उसके गले में काली धारी होती है। इसकी चांच लाल रंग की होती है। वह आगे से बूढ़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज मीठी और सुरीली होती है। लोग इसे पढ़ते हैं, लोग इसे पालते हैं। तोते हरी मिर्च और अमृत बहुत पसंद है। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने तोता विषे अहीं वाक्यों लखवाना छे। फरीथी हूँ तमने वाक्यों कहूँ, ध्यानथी तमारे लखवाना। तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। इसके गले में काली धारी होती है। इसकी चांच
लाल रंग की होती है। तोते की आवाज मीठी और सुरीली होती है। लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद भी पसंद है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने अहीं पांच सात वाक्यों मोर विषे पण जोया, वाघ विषे पण जोया अने तोता विषे जोया। तो विद्यार्थी मित्रों, आजना वीडियो में आपने प्रश्न एक अने बे जोया छे। तो फरीथी हूँ तमने रिविजन कराई दऊ। बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर में घर के पास आ गया। पानी टपकने की आवाज कैसी थी? तो पानी टपकने की आवाज टप टप थी। बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने सिर पर पैर रखकर भाग गया। प्रश्न में निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में पांच सात वाक्य लिखो। मोर, बाघ अने आपने तोता विषे जोयु। तो मोर पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके माथे पर कलगी होती है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। इसकी आवाज मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊ म्याऊ करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। पछी आपणे वाघ विषे जो। तो बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियां होती हैं। वह अंधेरे में देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। तोता, तो तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। इसके गले में काली धारी होती है। तोता, तोते की चांच लाल रंग की होती है। तोते की आवाज मीठी और सुरीली होती है। लोग इसे पालते हैं। तोते हरी मिर्च और अमरूद भी पसंद है। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने प्रश्न एक अने प्रश्न बे जोयो आजना वीडियो में। तो आजनु गृह कार्य छे विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्यायना प्रश्न एक अने बे नोटबुक्स नी अंदर लखी तैयार करवानू रहेशे। आपणे हिंदी नोटबुक्स नी अंदर आ स्वाध्याय प्रश्न एक ना छ प्रश्नों અને પ્રશ્ન બે ને ત્રણ મોર, ભાગ અને તોતા વિશે, તો
नोटबुक्स नी अंदर लखी तैयार करवाना। हवे आगळनो अभ्यास आगळना वीडियो में जोईशुं। नमस्कार।